जब चंडीगढ़ से लाल बत्ती वाली गाड़ी उस जमाने में निकलती थी तो एक दरवाजा INLD के मिनिस्टर और दाहिने तरफ से BJP वाले कोर्ट थे। स्वास्थ्य मंत्री CP ठाकुर जी थे, ये बात ठीक है कि CP ठाकुर जरा जोर से बोली ना उधर वो लोग सुने। स्वास्थ्य मंत्री CP ठाकुर जी थे और उनके कार्यकाल में ही ये हॉस्पिटल के नवीनीकरण का पैसा दिया गया। चौटाला जी 2003 में CP ठाकुर ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। अब जरा सुनिए जरा ये बोलेंगे तो इनको सुनिए और कांग्रेस का मुस्कुराता हुआ चेहरा अब जरा देखिए। एक बात और, हरियाणा के अंदर जब हरियाणा बना तो 7 जिले थे, करनाल उनमें से ओल्डेस्ट जिलों में से एक था, लेकिन करनाल और पानीपत में आज तक स्टूडेंट्स के लिए एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। सर मैंने आपसे एक सवाल किया कि INLD के लोग ये कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी, आपका ध्यान लगता है कि हजका की तरह फंसा हुआ होगा, आपने सुना नहीं INLD ने क्या कहा, लंबी चौड़ी वो कह रहे हैं कि जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं 55 एकड़ का पार्क भी अटल जी के ही नाम पे नेछावर कर दिया है ना। देखो जो ये नाम, ये जो पार्क का नाम है ये अटल जी के पार्क के नाम पर था, लेकिन पूरा फंड केंद्र से आता था, इसमें INLD का कोई मतलब नहीं। वेदपाल जी माननीय वकील हैं, ये वेदपाल जी माननीय वकील, एक मिनट बात सुने, ये माननीय वकील साहब हैं, इनको ये पता होना चाहिए भी केंद्र से पैसा कहाँ आएगा, ये पार्क हुड्डा हरियाणा सरकार का है। समरसिबल पंप्स बिना बिजली के एक गांव में 50 लगे हैं क्या, हाँ या ना में जवाब दो। जल ही जीवन है ये तो मैंने सर पे। सालोन गाँव की आबादी 12,500 है, बड़ा गाँव की जो वोट है वो बड़ा गांव की वोट 10,000 से ऊपर है, जुंडला गांव की जो क्या समर सिवर पंप बिना बिजली मीटर के चल रहे हैं क्या। देखिए हमारे ये कोई नॉलेज में नहीं कि कोई बगैर बिजली के चला रहा हो, ये पूर्ण रूप से हर आदमी जिसके यहाँ पे भी लगा हुआ है, पंचायत के हमारे पब्लिक हेल्थ के ट्यूब लगे हुए हैं, यदि कोई वैसे भी लगे हुए हैं वो उसका पंचायत बिल पे करती है, पंचायत के अनुसार होता है। बिना बिजली का तो नहीं है ना, ना, ना ऐसे कोई नहीं, क्योंकि मैं यहाँ हरियाणा है ना सर, यहाँ तो एक नारा ये भी आया था कि ना मीटर रहेगा ना मीटर रीडर रहेगा। हाँ ठीक है, ऊपर बोलूंगा जी, ये नारा जरूर था जिस व्यक्ति ने ये नारा दिया था, ये देखिए चेहरा कितना खिल गया आपका, मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा, उसी व्यक्ति ने कंडेला के अंदर नियत थे हजारों किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। चलिए मेरा अगला सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में है ना मोदी जी की लहर थी, इसमें तो कांग्रेस वाले भी एग्री करेंगे, सुपड़ा साफ हो गया है ना, विधानसभा चुनाव में क्या वैसी ही लहर या वैसा ही इम्पैक्ट मोदी का देखने को मिलेगा? यहाँ देखो आगे हमें CM ऐसा चाहिए जो बच्चों को रोजगार। मोदी जी की जो लहर थी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वैसी लहर मोदी के नाम पे हरियाणा में होगी कि नहीं? विधानसभा चुनाव में होगी जी। अब आगे के CM हमारे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी होंगे और यही लोगों की इच्छा है। वो चुनाव PM को देखते हुआ था और हरियाणा में चुनाव CM को देखते होगा, तो ऑब्वियसली CM कौन हो? ऑब्वियसली कुलदीप, ये तो BJP वाले दोनों राज्य में भी समान विकास होया, समान रोजगार मिला जी, और अब भी ऐसा ही होगा, अब भी ऐसा ही होगा, ये भेदभाव नहीं होगा कि रोहतक में नौकरियां मिलेंगी और यहाँ नहीं, यहाँ के बच्चे के पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ के बच्चों के पास क्या डिग्री है। ठीक है मतलब लेकिन कुलदीप बिश्नोई के नाम पे वोट मिलेगा हरियाणा में, मोदी के नाम पे नहीं मिलेगा? मोदी की वो भी है हाँ जी, लेकिन अब तो जो CM वाली लहर चली, मतलब मोदी का क्या है कुलदीप मिश्रा? नहीं मोदी जी के भी नाम पे है लेकिन CM संभल जा रही है मैडम, दिल की बात कीजिए ना आप। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ये मुझे INLD वालों ने भेज दिया, आप अपनी जगह पे चले जाइए। पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये कहा गया कि मोदी जी की हवा थी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोदी जी की जबरदस्त। अरे सर सवाल आप लोग जो पॉलिटिशियन है ना, मतलब मंच पर पहले 3 घंटा भूमिका बांधते हैं, हम लोग पत्रकार कट टू कट में विश्वास करते हैं। वो कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी की लहर थी, विधानसभा चुनाव में मोदी, क्या कुलदीप बिश्नोई की लहर रहेगी?
इसमें मेरा ये कहना है कि तब मोदी जी की हवा थी तब वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी थे और अब वो प्रधानमंत्री है इसलिए वो हवा दोगुनी रूप में कम करे। मतलब कुलदीप की हवा रहेगी नहीं? देखिए जी, जहाँ तक अब तक गठबंधन है इस पे फैसला हाईकमांड करेगी, इसमें आप लोग कुछ नहीं, लेकिन हाँ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मोदी जी की हवा करनाल ही वो जगह, करनाल ही वो जगह है। देखिए आपको सर पांच बार दिया है मौका, एक बार रुक जाइए ना। देखिए इस चीज में, इस चीज में मोदी की लहर होगी नहीं होगी, नहीं है तो क्यों, इस चीज में कोई दो राय नहीं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। पार्लियामेंट का जब चुनाव था नरेंद्र मोदी की लहर थी, लेकिन लोगों का तब भी एक नारा था, ऊपर नरेंद्र नीचे भूपेंद्र। सर जी बात ऐसी है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन इन भाइयों के दावे जो है ना वो सबके खोखले हैं। ठीक है मोदी जी की लहर थी, ईमानदार बंदा था, उसकी वजह से बीजेपी आ गई। अगर बीजेपी जो ड्राइंग रूम में बैठे काम करेगी ना तो साफ हो जाएंगी। कांग्रेस पहले से साफ है, अब तो फायदा वो उठाएगा जो ड्राइंग रूम से जुड़ेगा। एक मिनट, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई की लहर है प्रदेश के अंदर, क्योंकि उन्होंने काम कर रखे, सड़कें बनवा रखी। आज सड़कों का बुरा हाल है, आज सड़कों पे जाके देखो, एक मिनट, सड़कों में है ना, सड़कों पे संक्षेप में, जब सड़कें है ना आप जाके देखो, तीन तीन फुट के गड्ढे हैं। कुलदीप की लहर रहेगी या आंधी चलेगी बिल्कुल प्रदेश के अंदर। ये जो हाजका वाले करनाल वाले, इससे बड़ा दर्द कौन जानता है। ऐसे असर मोदी की हवा रहेगी नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, ओम ही ओम, बाकी सब विलोम। सर मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी कह रहे थे भी एफडीआई को हम खत्म करेंगे, सरकार में आने के साथ इन्होंने एफडीआई लिया है, रेलवे को ये पूरा प्राइवेट करने जा रहे हैं, और जो रेलवे नौकरी देता था आज वो नौकरी सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 हजार में मिलेगी। ये मोदी की लहर है। ये जरूर नारा था भाई, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए। ग्रहणी को जो टमाटर है 10 रुपए वाला, वो भी 80 रुपए किलो हो गया, अच्छे दिन आ गए। उन्होंने ये थोड़ी कहा था, उन्होंने ये कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, उन्होंने कहा था भाई अच्छे दिन तो हमारे आने वाले हैं, तुम्हारे थोड़ी। देखो जी, मोदी की जो लहर थी ना, मोदी जी की लहर जो भारतवर्ष में जितनी चली थी ना, वो सिमट करके दिल्ली इकट्ठी हो चुकी है इस वक्त। एक बात सर, मेरे यहाँ माता जी खड़ी हैं जो कुलदीप बिश्नोई जी के समर्थक हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आप नहीं, वो कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ पे शांति करेंगे, मतलब औरतों को इज्जत देंगे, जिनके भाई वो चंद्रमोहन, मोदी जी जो है वो 18 से 20 घंटे तक आज कार्य करते हैं, ये उनकी लहर नहीं, ये अभी तो उनकी सुनामी होगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर मोदी जी की सुनामी के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार। इसमें एक और, जो जहां तक जो लोग कह रहे हैं अभी मोदी जी की हवा नहीं, उन्होंने भी मोदी का नाम लेके लोकसभा में वोट मांगी है सर। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया। और ये करनाल है, हमारे कैमरामैन किधर है, ये करनाल है, और ये करनाल का मूड आप देख रहे थे। अगले हलके में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।